आपके बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो हैं, मेमन साहब जो हैं, मोमिन साहब जो हैं, वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं और एक 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो उस पे वो अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि जारी बात है अपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि महंगाई ने हर चीज़ को, हर शय को अपने लपेट में ले लिया है, वहाँ पर बच्चों की किताबें भी, बच्चों की कॉपीज़ भी इससे महफूज नहीं रहीं। और हम देख रहे हैं कि जैसे एक एक चीज़ महंगी हो रही है, वैसे ये जो हाँ कागज़ उस तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो 1 किलो ये 100 रुपये का आ जाता था, अब ये 1 किलो 300 से भी ओए ओए ज़ायद ओए रुपये में ओए जो है वो ओए दस्तियाब। खत्म, बाय बाय टाटा। जो पेट्रोल जैसे कई लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान में सजेस्ट भी किया बड़े सेंसिबली कि भाई आप जो 2 लीटर से बड़ी वाली गाड़ी है उसको आप 300-350 लें, 2.5 से बड़ी गाड़ी है उसको ज्यादा पैसे लें, और जो पेट्रोल डलवा रहा है रिक्शे में या अपने उसमें टैक्सी में या मोटरसाइकिल में, जो 1-2 लीटर डलवाता है पेट्रोल उसकी हद मुकर्रर कर दें, उसको आप 180 या उससे पीछे वाली उस पर रखें या उसको थोड़ी सी सब्सिडी दे कभी दें। आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की ड्रेस को, यानी कि यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा है? उनके हाथ में होता है एक डंडा, है तो वो छोटा सा डंडा, लेकिन यही वो डंडा है जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, और इसी डंडे की बदौलत उन्होंने कई सरकारें पलटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान भारत की इस दुनिया में दबदबा देख बौखला सा गया है। पाकिस्तान इस बात की चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान की इज्जत एक गधे की इज्जत के बराबर नहीं है और इंडिया इस दुनिया में सुपर पावर बनकर उभर रहा है और भारत की इज्जत अमेरिका तक कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो के अंदर अपनी आर्मी, अपने पॉलिटिशियंस और अपने सारे लोगों को कोस रहा है। तो आए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं और इस वीडियो को वॉच करते हैं। जय हिंद। जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे, और उन्होंने भी वहां पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब जाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत जबरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक का ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफी अगर आप ज्यादा। खुद सोचें कि इतनी अब शॉर्टेज होगी पेपर की कि बुक्स जो हैं वो नहीं, नहीं इनकी छपाई नहीं हो रही, और बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि उनकी तो तालीम को बहुत ज़्यादा हर्ज होगा इससे। बिल्कुल, ये बड़े मसले मसाइल हैं और अक्सर पहले भी हम ये देखते थे कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वालदैन, तो उनके पास तरीक़ेकार वाहिद ये रह जाता था कि वो कहीं से ओल्ड बुक्स ले लें कुछ इस तरीके से, लेकिन फिर उसके अंदर ये होता है कि आपका पूरा कोर्स चेंज कर दिया जाए। आईएमएफ की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमेशा ऐसे इकदाम लाएंगे जिससे गरीब तबका पिसे। तो पहले उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया क्योंकि उन्हीं की अय्याशियों और गलत पॉलिसियों की वजह से आपकी इंपोर्ट्स कम है, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, आपके पास डॉलर आ नहीं रहे, आप उन डॉलर को लाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, अपनी किसी पॉलिसी को ठीक नहीं करते, अपने ह्यूमन कैपिटल को ठीक नहीं करते, आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे आपके पास डॉलर आ सके, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। तो ओआईसी ने भी भारत को अकलियतों का दुश्मन करार दिया है। अभी ये जो कुछ दिन पहले इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओआईसी ने भारत में ये जो मुस्लिम नस्ल कुशी की जो धमकी है, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाकयात और ख़ास तौर पे जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर तशवीश का इजहार किया था, और ये बाकायदा मुतालबा किया था कि जो मोदी हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात को रोके। और जो ओआईसी की जानिब से जारी बयान था उसमें भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हिजाब पहनने वाली पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी करार दिया गया। यहाँ तक के FATF की लिस्ट से बाहर अभी तो नहीं आ पाए। सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तानी बोल रहे थे, अकेला मैं था जो ये बोल रहा था कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बाकी सारे जर्नलिस्ट यही बोल रहे थे, पाकिस्तानी, कुछ इंडियन भी बोल रहे थे,
कि एक्सटेंशन के एफएटीएफ की ग्रेलिस्ट से बाहर आ जाएगा, नहीं आया, अब एक कमीशन पहुंचेगा उसके बाद होगा। लेकिन इस डेवलपमेंट का भी क्रेडिट बाजवा को दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? शहबाज शरीफ। और कौन दे रहा है? ये दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। इमरान खान को डाउन करने का तरीका तो है, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साइड हो जाए, ये इसमें मिला हुआ है। इज इंडिया मोस्ट फेमस कंट्री और नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेमस, आई डोंट नो कि व्हाट डज यूर मीन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय फेमस, लेकिन इंडिया नो डाउट अबाउट दैट कि एक फेमस कंट्री है। आईटी में जो वो जितना आगे गए हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, हमारी तरह जो है ना उनकी डेमोक्रेसी नहीं है। अगरचे दोनों तरफ ये चीज़ें पाई जाती हैं, वन वी गो अब्रॉड, आई बिन अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने देखा है कि इंडियंस वहाँ हमसे आगे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये मुझसे ज़्यादा हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि जी हम एटॉमिक कंट्री होकर भी आज इंडिया से पीछे हैं, आज हम जनाब रशिया से पेट्रोल तक नहीं खरीद सकते, तो क्यों है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेन डिफरेंस? इज आई थिंक डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का हमने सिर्फ नाम यूज़ किया है, जबकि रियल डेमोक्रेसी इफ़ यू वांट टू सी दैट इज़ इन इंडिया इन एक्चुअल। आई एम रियली आई हैव लाइक मेरा वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन हैं। या एक चीज़ के अंदर आप ये कहेंगे कि सिर्फ ये मोदी हुकूमत अगर आप इंडिया से निकाल दी जाए तो दैट्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। ये सर अगर हम देखें तो आपने कहा मोदी हुकूमत, मोदी साहब जो है वो हमारे मुल्क के लिए खराब हो सकते हैं, किसी और मुल्क के, अपने मुल्क के लिए तो ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं ना कि नहीं, लेकिन देखें अपने मुल्क के लिए आपको इस तरह से कहना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि उसके मुल्क में भी अगर आप मुस्लिम उनकी रेशो को देखें तो दैट इज़ मोर देन 35%। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप 35% लोगों को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें और बाकी आप 66% लोगों की बात करें। सो यू नो दैट्स कि इंडियन इज़ नॉट द इंडियन दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू कंट्री नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू कंट्री अकॉर्डिंग टू द रेशियो वो नेपाल है, उसके बाद इंडिया आता है और उसके बाद मॉरिशियस का नाम आता है। इंडिया में तो ओवरऑल कितने मतलब हैं लोग? 3 लोग हैं। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी तकरीबन रेशियो कम है, उसके बाद मुस्लिम मेजोरिटी है, उसके बाद हिंदूज है। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप बिल्कुल 1/3 मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है आप उनके साथ नाइंसाफी करें। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मोदी का ये सीन है कि अगर वो वहाँ से निकाल दिए जाए तो इससे पहले तो जो हुकूमतें हैं आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुक भी अच्छे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अच्छे थे, आज भी अच्छी है। इस खित्ते में प्रॉब्लम क्या है? इस खित्ते में जो प्रॉब्लम है, अमेरिका सरदार है, ठीक है, चौधरी साहब वही हैं, तो हम भी उन्हीं के वो हैं, वो भी उन्हीं का है, लेकिन ये है कि हम ही शायद वो जैसे होते ना पिंड के कमी कमीन होते ना, तो साढ़े ना लोग कमी कमीन वाला ना हिसाब किया जाता है, ठीक है ना जी, जहाँ पे हिसाब है। हाँ, इंडिया चौधरी जो नीचे उनके होते हैं ना वो हैं, और हमको तो इन्होंने बिल्कुल ही बैक पर रखा हुआ है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अस। हाँ, एक चीज़ को आप कंपेरेटिवली, मैं एक चीज़ का और भी आपको कंपेरिजन बता दूँ बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानी, और ये आपको मानना पड़ेगी क्योंकि मैंने उनको देखा। एज अ नेशन वी आर गुड देन इंडियन नेशन। हमारी नेशन जो है अगर आप नेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आप पाकिस्तानियों की बात करेंगे, बाहर जाते हैं हम, काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप देखें इंडियंस आर नॉट गुड विद ईच अदर। आप इंडियंस के देर आर मोर देन 30 states। आप वहाँ पर जो साउथ या केरला की स्टेट्स हैं, केरला के लोग अपने अंदर किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप देखें वो मैं, मेरे केरला दोस्त थे तो मैं उसे कहता हूँ यार आर यू इंडियन, कहते हैं नहीं यार वी आर फ्रॉम साउथ। मैं समझूँगी साउथ अफ्रीका के, लेकिन नहीं कि केरला के अंदर उनके अंदर ये चीज़ें। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पंजाबी हैं, मैं पठान हूँ, मैंने इससे शादी की है, शी इज़ फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम पगेबी के। हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है। वी एज अ नेशन आर बेटर देन आर्ट, हमारी आवाम उनसे अच्छी है।